उसे कहते हैं स्टेपनवुल्फ, तबाही का सरताज। दुनियाओं पे कब्जा करना उसका शौक है। लाखों से लड़ते ढेर हुए या उसके अधिक असुर बन गए। बेरहम मौरे जिनकी खुराक डर है। हाँ, शायद एक से मैं मिला। हमारी खास जमीन है यहाँ गौथम में। कई जगहों पे वो लोग उसके संदूक ढूंढ रहे हैं। अधी संदूक। अधी संदूक? एक तो वो तुम लोगों की निगरानी से छीन कर ले गया, बाकी बचे तो I'm impressed. मातो, अभी तक ये नहीं पता कि उनमें क्या है, कोई हथियार या कोई पावर। उनमें शक्ति नहीं है, वो खुद एक शक्ति है। जिस ग्रह पे कब्जा करना होता था वो वहां अधी संदूक को ले जाते ताकि वो वहीं एकजुट होके ऐसी शक्ति पैदा कर सके जो ना सिर्फ दुनिया तबाह कर सकती है बल्कि उसे वैसी ही नरक जैसी जगह बना सकती है जहां से स्टेपनवुल्फ आया है। हम खत्म हो चुके होते लेकिन हम भी एकजुट हो गए। एमजॉन्स, एटलांटियंस, इंसानों का हर कबीला एक हो गया। महायोद्धा, दूसरी दुनिया के रक्षक। यहां तक कि देवताओं ने भी कंधे से कंधा मिला लिया। स्टेपनवुल्फ को हराने के लिए जान की कुर्बानी देते रहे। कहते हैं हारने के बाद वो गुस्से की आग में पागल हो गया। उसने कहा कि हमारी एकता टूटेगी, धरती फिर अंधेरे के चपेट में होगी और तभी वो फिर लौटेगा। जो संदूक पीछे छूट गए थे उन्हें साथ रखना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए एक की जिम्मेदारी एमेजॉन्स को सौंपी, एक की अटलांटियंस को। दोनों को बिल्कुल महफूज कड़ी निगरानी में रखा गया। इंसानों को दिया संदूक चुपके से दफन कर दिया ताकि कोई भी कबीला बहक के उसकी ताकत का इस्तेमाल एक दूसरे पे ना करे।